बाबा को किसी तरह जमीन के लिए राजी कर लेना। चिंता मत कर, ये काम जरूर होगा। मैं चलती हूँ। भवानी सरकार, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम इस गांव की तकदीर बदलना चाहती हो कुछ मुर्दों के सहारे? अरे भाई, मैं गांव का सरपंच हूँ। गांव वालों की तरफ से सरकार के सामने झोली फैलाकर खड़ा रहने वाला भिखारी तो नहीं। अरे कमला आओ। नमस्ते। आओ बैठो। भाभी आप यहाँ बैठी हुई हैं, मैं सुबह से इनको ढूंढ रही हूँ। मैंने सोचा कि कल शाम को ये स्कूल भी क्यों नहीं आए, पता नहीं। हाँ कल शाम को थोड़े से चक्कर आ रहे थे, कुछ खाने से जलन भी हो रही थी तो मैं नहीं आ पाई। यहाँ डॉक्टर ने जैसे दवाई लेने तो आई हूँ मैं। वैसे दीदी एक बात बोलूँ, आप इनका इलाज जल्दी से करिए, इन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारे स्कूल में बहुत रौनक रहती है। अब कल शाम को ये नहीं आई तो बहुत सुना सुना लग रहा था। वैसे भाभी की वजह से ही इस गांव की औरतों ने हमारे स्कूल में आना शुरू किया। तुम ठीक कह रही हो कमला, सरस्वती ने ही गांव के लोगों की सोच बदल रखी है, वरना जब मैं आई थी तो कोई मुझसे बात तक करने को तैयार नहीं था। हाँ और किस तरह मेरे पति भी आपको कितनी तकलीफ दे रहे थे, और वो सरपंच उसके साथ मिलकर भी न जाने कौन सी परेशानियां खड़ी कर देते थे। कोई बात नहीं, छोड़ो ना भाभी, कैसी बातों को लेके बैठ गई। अच्छा दीदी आपको यहाँ आने की प्रेरणा किसने दी, और आप डॉक्टर कैसे बनी? मुझे मेरी माँ ने पढ़ाया। चौथी कक्षा तक तो मैं गांव में पढ़ी, उसके बाद शहर में पढ़ी। धूप हो बारिश हो कुछ भी हो, मगर मैं और मेरी दो सहेलियां रोज पैदल चलकर जाते थे शहर में। पैदल चलकर? आप थक नहीं जाती थी? नहीं, दिल में लगन हो तो थकान का सवाल ही नहीं। और कितने दूरी पर था वो शहर? रोज एक घंटा जाना और एक घंटा आना। दीदी आपने आगे की पढ़ाई कहाँ की? मेरी माँ मुझसे बहुत खुश भी थी और दुखी भी थी, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए तो शहर में पढ़ाई करनी होती है ना। उन्हें लगता था कि मैं उनसे दूर चली जाऊंगी। आपकी माँ ने आपको शहर जाने से रोका नहीं? नहीं, क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास था। वो जानती थी कि मैं उनका सपना पूरा करने के लिए शहर जा रही हूँ। शहर जाके मैंने हॉस्टल में एडमिशन लिया। जब मैं गांव आती थी ना माँ से मिलने, तो माँ बहुत खुश होती थी। अरे हाँ, अपनी बेटी को देखकर तो कोई भी माँ खुश होती है ना। नहीं नहीं, मेरी माँ कुछ अलग किस्म की माँ थी। उन्हें मुझे देख के खुशी नहीं होती थी, तो उन्हें ये देख के खुशी होती थी कि मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके इतनी तरक्की कर रही हूँ बस। लेकिन लेकिन उनकी ये खुशी बहुत ज्यादा दिन तक टिकी नहीं, क्योंकि एक साल बाद ही
मेरी माँ बहुत बीमार पड़ गई। हमारी बहुत कोशिशों के बावजूद भी हम हमारी माँ को बचा नहीं सके। माँ के देहांत के बाद मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं गाँव में एक डॉक्टर बनती जाऊंगी और सब लोगों का इलाज करूंगी, क्योंकि मेरी माँ का देहांत गांव में हुआ था, सही समय पे इलाज नहीं मिलने की वजह से। अच्छा, तो इसीलिए आप हमारे गांव में आई हैं? बस यही सोच के मैं इस गांव में आ गई और इसे ही मैंने अपना मकसद बना लिया, और इस मकसद को पूरा करने के लिए पहला कदम होगा इस गांव में एक अस्पताल और एक स्कूल खुले। मेरा भी यही ख्याल है कि यहाँ एक हाई स्कूल खुले। हाँ, क्योंकि गांव के बच्चे ना कभी कभी शहर तक दूर तक नहीं जा पाते, क्योंकि शहर है बड़ी दूर और गांव के बच्चे को पैदल चल के वहाँ तक जाना बहुत कठिन होता है, और हमारे गांव और शहर के बीच जो नदी है ना उसे भी पार करके जाना पड़ता है। नदी पार करके? हाँ, और बारिश में तो ये नदी पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमारे गाँव के बच्चे शहर जाने से झिझकते हैं पढ़ाई के लिए। मुझे मुझे मेरा बचपन याद आ गया। याद आ गया कि जब मुझे आने में देर हो जाती थी तो बेचारी मेरी माँ कितनी चिंता करती थी। दीदी, तो फिर हम सब मिलकर ये तय करते हैं कि अब हमारा मकसद होगा इस गांव में एक स्कूल बनाना। हाँ, हम सब मिलकर पैसा इकट्ठा कर गांव में ही स्कूल बनाते हैं, ताकि गांव के बच्चे 10वीं तक गांव में रहकर ही पढ़ सके, है ना? लेकिन स्कूल बनाने के लिए जमीन की जरूरत तो पड़ेगी ही, और हमें जमीन कहाँ से मिलेगी? वो बात है ना, आप लोग मुझ पर ही छोड़ दो। अरे कमला, तुम यहाँ? दीदी, मैं आप ही के पास आ रही थी। आपने सरकार को वो चिट्ठी लिखी थी ना मास्टर जी के लिए, वो मास्टर जी आ गए हैं। आ गए हैं? हाँ, लेकिन मैं तो उनसे अब तक मिली नहीं, वो वहाँ पर हैं। मास्टर जी, ये भवानी दीदी हैं और मास्टर जी। नमस्ते। अच्छा, तो आप ही डॉक्टर भवानी है? काफी सुना है आपके बारे में गाँव में। वैसे बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए। वैसे शहर की प्रैक्टिस छोड़ के आप यहाँ गांव में प्रैक्टिस कर रही है, क्यों? वैसे यही सवाल मैं भी पूछ सकती हूँ आपसे। वैसे मैंने शहर का जीवन काफी देखा है, मैं हमेशा से यह चाहता था कि गांव जाऊँ, गांव के लोगों के बारे में, उनके परेशानियों के बारे में, उनके दिक्कतों के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सकूँ। इसलिए पिछले साल जैसे ही मैंने मास्टर्स इन सोशियोलॉजी की डिग्री हासिल की और मुझे पता चला कि इस गाँव में एक अध्यापक की जरूरत है, मैं मौका देख के इधर आ गया। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। कमला, तुमने पूरा गांव दिखाया, हम लोग फिर मिलेंगे। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। इस तरफ पूरा हमारा खेत है। अच्छा, अच्छा है। कैसा लगा आपको हमारा गांव? गांव तो बहुत अच्छा लगा, और गांव के लोग भी। अच्छा कमला, सुना है कि गांव में बचपन में ही लोग शादी कर देते हैं, क्या ये सच है?
बिल्कुल ठीक सुना है आपने, यहाँ पे बचपन में ही शादी हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि सभी के ख्याल ऐसे हो। जैसे 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 तुम? ऐसी बात नहीं है, मेरी भी शादी बचपन में ही हो गई होती अगर लड़के वाले दहेज की मांग ना करते। दहेज की मांग? मैं कुछ समझा नहीं। मेरी शादी पक्की हो गई थी, लड़के वाले मुझे देखने भी आए थे, मुझे पसंद भी किया था, लेकिन फिर उन्होंने दहेज की इतनी मांग की कि जिसे मेरे माँ बाप घर बेच के भी पूरा नहीं कर सकते थे, और रिश्ता टूट गया। तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता नहीं ढूंढा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत रिश्ते ढूंढे, मगर हर बार यही समस्या सामने आके खड़ी हो जाती थी। फिर माँ बाप की परेशानी देखकर मैंने ये फैसला किया कि मैं शादी ही नहीं करूंगी और गांव की सेवा में लग गई। अरे आप किस सोच में पड़ गए? नहीं कुछ नहीं कमला, बस यही सोच रहा था कि कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी जल्दबाजी में कितना गलत फैसला कर लेते हैं। मतलब ये कि सभी तो लोग दहेज के लालची नहीं होते ना। मैंने तो फैसला किया हुआ है कि किसी गांव की लड़की से शादी करूंगा और वो भी बिना दहेज लिए हुए। मैं आप अपने आप को ढाल सकेंगे? क्यों नहीं ढाल सकूंगा, मैं तो पसंद करता हूँ, मैं तो यहीं रहूंगा और गांव वालों की सेवा भी करूंगा। अरे अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई? नहीं कुछ नहीं, चलो चलो। ये भिंडी का खेत और आगे वो देखे उन्हें पूरा आम का बगीचा वो वाला। हाँ Thank you.
बेटी, मैं तुझसे एक बात करना चाहती हूँ। बैठो माँ। देखो बेटी, कल तू स्कूल मत जाना। क्यों माँ? कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तेरे बापू ने पास वाले गांव में एक लड़का देख रखा है। बहुत ही बड़ा घर है, खेती बाड़ी है और समाज में बड़ा नाम है। माँ, तू क्या कह रही है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो क्या ये सब बातें तुझे बतानी जरूरी है? क्यों नहीं माँ, तुम मेरी जिंदगी का फैसला कर रही हो। आखिर मुझे भी तो मालूम होना चाहिए ना कि लड़का कैसा है। यह जानकर तुझे क्या करना है? गांव में तो बिना देखे ही बचपन में शादी की जाती है। मुझे देख, मैंने कहा शादी से पहले तेरे पिताजी को देखा था। हा? ये तो अच्छा है कि हम तुम्हें लड़के से मिलवा रहे हैं। माँ, मुझे तुम्हारी पुराने जमाने की बातें ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा है कि इस अंधेरे कुएं से बाहर निकलो। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम चाहती हो कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूं जो शादी के बाद हर रोज किसी न किसी चीज की मांग करे और मांग पूरी ना होने पर तुम्हारी बेटी पर अत्याचार करे। नहीं माँ, मैं तो एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो दहेज का लालची ना हो। और माँ, मैं तो डॉक्टर भवानी की तरह जीवन में कुछ बनना चाहती हूँ। मुझे मालूम है ये सब तुझे भवानी सिखा रही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उसका साथ छोड़ दे। भवानी ने नहीं, बल्कि मेरी पढ़ाई ने मुझे सिखाया है कि आम जिंदगी को सही तरीके से कैसे जिया जाए। और यही बात मैं अपनी प्रौढ़ शिक्षा के क्लास में भी कहती हूँ। बल्कि माँ, मैं तो चाहती हूँ कि तुम भी हमारे क्लास में आओ, कुछ जानो, कुछ सीखो। और जहाँ तक शादी की बात है तो माँ, इस पढ़ाई ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं पीछे नहीं जाना चाहती। मैं एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो पढ़ा लिखा हो। और हाँ, शादी से पहले मैं उसे जानना जरूर चाहूंगी। पागल हो गई हो क्या? अपनी पसंद के लड़के से शादी करोगी? तूने देखा है ना कि सुशीला ताई का क्या हाल हुआ है। मैं समाज में जी रही हूँ और इज्जत से मुझे जीना है। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। सुशीला ताई की बात को कई साल हो गए हैं और अब तो गांव वाले भी इस बात को भूल चुके हैं। वो उन्हें कितनी इज्जत देते हैं, उनके दुख सुख में उनके साथ हैं। माँ, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। आप देखो ना, भवानी भी कितनी खुश है। भवानी, 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 सारा दिन भवानी का नाम जपती रहती हो। माँ, तुम भवानी से इतना नफरत क्यों करती हो? आखिर उसने हमें जिंदगी को सही तरीके से जीना सिखाया है। ये गांव वाले भी उससे कितना कुछ सीख रहे हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ माँ, तुम अपना गुस्सा छोड़ दो और उससे अपने काम के बारे में कुछ नया सीखो। इससे तुम्हारे काम में कोई बाधा भी नहीं आएगी और तुम एक डॉक्टरनी की तरह अपना काम कर सकती हो। मुझे नहीं कुछ सुनना है, ना ही कुछ सीखना है। मुझे भवानी से बहुत नफरत है। कल वो लड़का तुझे देखने आ रहा है, समझी? मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर मैं शादी करूंगी तो अपने पसंद के लड़के से, वरना शादी ही नहीं करूंगी। अच्छा, तो ये बात है। अब मेरी समझ में आया कि आजकल तू क्यों मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हो और स्कूल से क्यों देरी से आ रही हो। कहीं वो लड़का, क्या नाम उसका, अशोक, हाँ, कहीं तू उनसे शादी करने की तो नहीं सोच रही हो? अगर तू ये सोच रही हो तो सुन लो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम। गांव के विकास में जो कार्य मैं कर रही हूं, मुझे उसमें काफी खुशी है, क्योंकि गांव की गरीब जनता मेरे साथ है।
रहने दे तेरी तकरी, हमें कुछ नहीं करना है, हम अपने हाथ से सब कर लेंगे, समझी? हाँ, चली जाओ यहाँ से, जा। तुम्हें इसका इलाज करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर जी, तुम जाओ यहाँ से। तुम शायद इसके पति हो और तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि मैं इसका इलाज करूँ। तुम जानते हो अगर थोड़ा सा भी और खून बहा तो उसकी जान भी जा सकती है। अब भी तुम चाहते हो कि मैं इसका इलाज नहीं करूँ? अरे ये इसकी बीवी है और मरे चाहे जिए, इससे तुमको क्या? और तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा? खिला दे पूड़ी, बंद कर खून, बंद कर खून। देखो मैं इसे लेकर अपनी क्लिनिक जा रही हूँ, जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा ये इस खेत में काम नहीं करेगी, समझे? चलो चलो आओ, उठाओ बैग, आ जाओ। ये लो कि मैं ये क्लिनिक बंद कर दूं और गांव छोड़ के चली जाऊं। अब मैं क्या कहूं, आप खुद समझदार हो। और अगर मैं कहूं कि ना तो मैं ये क्लिनिक बंद करूंगी और ना ही गांव छोड़ के जाऊंगी तो फिर आप हो और गांव वाले हैं, और गांव वालों को आप जानती नहीं हो। आपके साथ कोई भी ऊंच नीच न हो जाए इसलिए मैं आपको ये सब कुछ कह रहा था, बाकी आपको जाना तो होगा ही। परेशानी आपको मुझसे है या गांव में? अरे परेशानी मुझे नहीं, परेशानी तो आपको होगी, आप ये गांव वालों को जानती नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि मैं कई सालों से इनके साथ रह रहा हूँ, समझी? आज तक किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश नहीं की है जो तुम कर रही हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा भवानी। काफी गलत फहमी है आप, गरीबों पे जुल्म कर करके रूह मर चुकी है, अंधे हो गए आप। अंधी तो तुम हो गई हो जो शहर का शोर शराबा इस गांव में देखना चाहती हो। भवानी अब भी वक्त है, चुपचाप शहर वापस लौट जाओ, वरना 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 क्या कर लेंगे आप? जान से मार डालेंगे मुझे। जान से तो नहीं पर जिंदगी और मौत के बीच का फासला जरूर कम कर दूंगा, बाकी सब तुम देख लेना। राजनीति की उलट फिर भी शुरू हो गई है। इस गांव में पहली बार यहाँ के लोग सरपंच सुखदेव सिंह के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। इस बार सरपंच के चुनाव में गरीब और पिछड़े वर्ग का नेता, इस गांव का मजदूर हरिया खड़ा है। सरपंच सुखदेव सिंह लगातार मुझे धमकियां दे रहे हैं, मगर पिताजी चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि सच्चाई का सामना वो अपनी झूठी शान से ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। और हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। आपकी बेटी भवानी सरकार। कुछ करके दिखाने गांव में आई है भवानी, एक रोशनी अंधेरे में लाई है भवानी। कुछ करके दिखाने दिखाने